डियर स्टूडेंट, ऐसे आप लोग उम्मीद बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे टाइम डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद अब हम लोग चलेंगे ट्रेन पर। देखो, ट्रेन के अंदर जितने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं वो सब टाइम एंड डिस्टेंस के ही हैं, तो हमको बस उसी में ही और प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। पूरी चीज़ें वही है। टाइम इजकल टू क्या है, डिस्टेंस इजकल टू क्या है, स्पीड इजकल टू क्या है, जितने फार्मूले हम लोगों ने उधर देखे थे उतने ही इधर भी हैं। इन सवालों को बस ठीक से समझना है, हमारा प्रैक्टिस सही होगा। तो तीन चीज़ें एक साथ होती हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। ये तीनों एक साथ हो जाएंगी तो समझिए एक बड़ा सा ग्रुप आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल कैसा है। बहुत छोटे क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, समझने का प्रयास करें ये क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जा रही, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बता दो। मीटर पर सेकंड के लिए आप जानते होंगे केवल 5/18 गुणा कर देना चाहिए बस, यानी 180 आप लिखिए और उसके बाद कुछ नहीं, 5/18 करना है बस। 18 दहाई में 180 और 10 पच्चे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड आपका ये आ गया चाल। ऐसा क्यों करते हैं आपको खूब अच्छे से पता है कि क्योंकि किलोमीटर को हमें मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है और घंटे को सेकंड बनाने के लिए 3600 से भाग देना पड़ता है। 1000/3600 करेंगे जब आप, तो यही 5/18 बचता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए, एक रेलगाड़ी 45 मिनट प्रति घंटा गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकेगी। 45 की चाल से जा रही है, बताओ भैया। 45 किलोमीटर जा रही है और दूरी कितना है, ये दूरी। अच्छा बताओ, चाल भी दिया है दूरी दिया, हमसे पूछा गया समय, समय बराबर क्या होता है बताओ। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 4/5 और चाल क्या है 45। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर आप मीटर पर सेकंड बना लो तो भी चलेगा, गुणा 5/18 नीचे आ जाएगा। अब सोचो ये चाल हो गई, देखो, लेकिन ध्यान रहे अगर मीटर किलोमीटर दूरी तो हमारी किलोमीटर में है, या तो फिर इसको भी मीटर में बनाते। रुक जाइए गलत हो जाएगा। देखो कैसे, दूरी 4/5 है और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, क्योंकि किलोमीटर में और किलोमीटर प्रति घंटा, अब बटा एक कर दो तो ये आ गया ऐसे, ठीक, ये आ गया 4/5 गुणा 45, ये क्या आ गया घंटा। अब इस घंटे को हमें सेकंड बनाना है, क्या करें, गुणा 3600। मिनट बनाना है तो गुणा 60, चलो काटते, किससे काट दें, 15 से काटें, 15 × 3 = 45 और 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, अब फिर 15 से काटिए, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 15 और 15 × 6 = 90, 16 × 4 = 64, 64 सेकंड का टाइम लगेगा भाई, कितना लगेगा 64 सेकंड। 64 सेकंड के अंदर वह ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी। हमने क्या किया, पहले जो निकाला वो घंटा था और घंटे को मिनट बना दिया, सेकंड बना दिया। एक मिनट में 3600 सेकंड होता है, 60 × 60 करने पर आता। 100 मीटर रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रही है, रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, बताओ। लंबी गाड़ी कितना है 100 मीटर, ये 100 मीटर की गाड़ी और चाल है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, आप जानते हो एक चीज़ कि जब उसे किसी व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और चाल है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करेंगे, 30 × 5/18 कर देंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा। क्यों कर देंगे, इसलिए कर देंगे कि हमको समय सेकंड में चाहिए और दूरी हमें मीटर में ऑलरेडी गिवन था, तो 10 हम काट सकते हैं और 3 × 6 = 18 और 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12 सेकंड। 12 सेकंड में उस व्यक्ति को आराम से पार किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न आपके पास है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ट्रेन किसी बिजली के खंभे को कितना समय में पार करेगी। सेम कहानी, कुछ और ज़्यादा करना ही नहीं। देखो, लंबाई है ट्रेन की 100 और चाल है 144, हमने कहा था इसको गुणे 5/18 तो करना ही पड़ेगा। अब देखो 18 × 8 = 144 होता है, काटो, 5 से काटोगे 5 × 2 = 20, 400 और काट सकते हो, 5/2 सेकंड, 5/2 सेकंड माने होता 2.5 सेकंड लगेगा बस। हैं, बढ़िया ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन है, इतना बढ़िया चल रही है रफ्तार में, उड़ा देगी जल्दी से, पहुंच जाएंगे। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। अच्छा बताओ, 6:7 है, इसको हम 6x 7x मान लेते। इन्होंने कहा
चार घंटे में 364 चल रही हैं, चार घंटे में, चार से भाग दो भैया, चार नौ 36, चार एक चार 91, बताओ 7x का मतलब 91 होता है, 13 सत 91, तो 13 छके 78 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बताओ 78 कहीं दिख रहा, समझ पाए सवाल लगाने का तरीका। हमने देख लिया दूसरे ट्रेन को, कुल 91 क्या है इसकी चाल आ रही, और ये कह रहे 7 है, तो 7x बराबर 91, तो 1x माने 13 हुआ, 1x माने 13 हुआ तो 6x माने कितना हुआ, 78। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड पार करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बता दो, लंबाई मतलब दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो बताओ लंबाई हम निकालने जा रहे हैं तो बराबर होगा चाल, चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो गुणा 5/18 कर दो चाल, और गुणा समय कितना लगा 15, यही काट दो काम हो गया, 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10, 150 कितना है भैया, ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर की लंबाई है उस ट्रेन की, अच्छी है बढ़िया चल रही है, अच्छी बात। आइए अगला सवाल देखें। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर देती है, गाड़ी की लंबाई बताओ, फिर उसी तरह लगाएंगे कि लंबाई बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल है 36 यानी 36 × 5/18 और समय कितना लगा है 25 सेकंड, 18 × 2 = 36 तो 5 × 2 = 250, कितना लंबी है भैया 250 मीटर लंबी वह ट्रेन है। लगाने का तरीका देखो, सवाल जरूर छोटे हैं लेकिन उसको कितने जल्दी से आप हैंडल कर पाते हैं ये भी देखते रहना चाहिए। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर लेती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितना समय में तय कर लेगी, अच्छा 10 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में तय करती है, अच्छा चाल निकालो बेटा, 10 किलोमीटर दूरी है और समय लगा है 12 मिनट, 12 मिनट माने होता है 12/60, अब 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 × 60 और 12 12/25 = 60 यानी उस गाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा, उन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दिया तो 50 यहाँ 45 कर देगा, अब बताओ 10 किलोमीटर दूरी को 45 चाल जा रहे हो कितना समय लग जाएगा, इतना घंटा लगेगा, इस घंटे को मिनट बनाना है 60 से गुणा कर लो, ठीक है, और अगर मान लो सेकंड बनाना तो फिर गुणा 60 कर दीजिएगा, पहले मिनट बना लेते, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 40/3, और 40/3 माने क्या होता है 13 मिनट और 1/3 20 सेकंड, 13 मिनट 20 सेकंड, बताओ 40/13 माने क्या हुआ 13 × 1/3 मिनट, 1/3 मिनट को आप सेकंड में बदलोगे 60 से गुणा करके तो हो जाएगा 20 सेकंड, यानी 13 मिनट 20 सेकंड लग जाएगा उसी 10 किलोमीटर चलने में, महसूस कर रहे हैं सवाल को। सवाल है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या, भाई 80 की चाल से जा रही है और उसे जाने में लगा 4.5 घंटा, अब की बार वही दूरी वो 4 घंटे में तय करना चाहती है, उसकी चाल क्या होनी चाहिए, काट दो तो काटोगे तो ये हो गया 20, 0 काट दो तो ये खत्म हो गया 45 × 90, 90 की चाल होती तो काम हो जाता, समय देखो जरा 10-12 सेकंड का समय है ये, 10-12 सेकंड के अंदर सवाल लगाए जा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, देखो ट्रेन की लंबाई है 120 और जो प्लेटफार्म है हमारे पास उसकी लंबाई है 230, भाई बताओ अब 230 अगर प्लेटफार्म है और 120 ये है तो कितना होगा 350, कुल दूरी 350 चलना पड़ेगा और चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 × 5/18 तो करना ही पड़ेगा, 18 × 5 = 90, 25 से काटो, 25 × 25 और 10 × 25 = 100, 14 सेकंड का टाइम लग जाना चाहिए भैया, ट्रेन जो है उस प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर देगी क्योंकि उसे चलना पड़ेगा 350 मीटर और चाल है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आओ देखा जाए आगे, आप याद भी कर सकते हो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा माने होता 5 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा माने होता 10 मीटर पर सेकंड, मैं कहूँगा रटो मत, क्यों अपने ऊपर वो बोझ डालना है कि नहीं, जब कोई चीज़ हम बनाना जान गए हैं तो उसे याद रख करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितना समय में पार करेगी, देखो ये 250 मीटर की गाड़ी है और प्लेटफार्म है 520 मीटर का, बताओ 5 × 2 = 770 हुआ, उसे जाना पड़ेगा 770 और चाल क्या है 55,
55 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा 5/18 तो होगा ही होगा, 11 25 55 11 77 77 और काटो 5 से इसको काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 14। अब तो कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। 14 8 112 हासिल 11, 14 14 11 25 और बटा 5। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, समय जरा काटो, 5 25 25 0.5 4 20 बताओ 50.4 सेकंड का टाइम लग जाएगा, 50.4 सेकंड का टाइम लग जाएगा भाई, 55 की चाल है और दूरी भी बहुत लंबी है ना। अच्छा आओ देखा जाए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति बता दो। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। आपको ये समझना है कि इस प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड लगा और आदमी को पार करने में 10 सेकंड का लगा। बोलो, प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड लगा और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को पार करने में 10 सेकंड का लगा। इसका मतलब हुआ कि खाली प्लेटफार्म को पार करने, खाली किसको पार करने में, खाली प्लेटफार्म को पार करने व्यक्ति को 10 सेकंड तो लगना ही लगना था और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगा 14 सेकंड लग गया। इसका मतलब खाली प्लेटफार्म पार करने में उसे 4 सेकंड का टाइम लगा। हमसे चाल पूछा गया, आप बता दो 50 मीटर का प्लेटफार्म है और 4 सेकंड में पार कर रही, 50 लिखो भाई, देखो 50 मीटर का प्लेटफार्म है और 4 सेकंड का टाइम लगा, मीटर प्रति सेकंड चाल है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो 18/5 कर दो, काटो, काटोगे आप तो 5 से काटो 10 और 2 2 4 2 5 10 2 9 18 9 5 45 कौन चाल आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। बहुत बहुत मज़ेदार सवाल है, फिर से सुनो, प्लेटफार्म पर खड़ा एक आदमी है, ट्रेन आई प्लेटफार्म सहित आदमी को पार कर गई 14 सेकंड में, केवल आदमी को पार करती तो 10 सेकंड, इसका मतलब प्लेटफार्म को पार करती तो 4 सेकंड, बस 50 मीटर दूरी चलने में पास उसको लगता है कितना सेकंड, 4 सेकंड का टाइम, बस हमारा काम हो गया। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बता दो। भाई देखो, लंबाई भी मिल जाएगी, चाल भी मिल जाएगा, है ना, 100 सेकंड और 4 सेकंड में पार करती, दोनों दशा में बराबर ही आता है। पहले तो हमें उसकी चाल निकाल लेना चाहिए, कैसे, 800 मीटर दूरी है तो 100 सेकंड लग रहा है, 400 मीटर दूरी है तो 60 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि 400 मीटर पार करने में उसको 40 सेकंड का टाइम लगता है। ज़रा बोलो, 400 सेकंड को पार करने में, 400 मीटर पार करने में उसको कै सेकंड का लगता है, 40 सेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। और अगर 10 मीटर पर सेकंड की चाल हो गई, बताओ, तो इसका मतलब हुआ कि 100 सेकंड में वह 1000 मीटर दूरी तय कर लेगी और 1000 दूरी में से 800 मीटर ही प्लेटफार्म है, तो इसका मतलब 200 मीटर का ट्रेन हो गई कि नहीं हो गई। फिर से समझो बात को, फिर से सुनो, बहुत मज़ेदार है, कितना कम लिखे हैं आपको, इसको ध्यान से देखना। 800 मीटर दूरी जाता है, देखो ये 800 मीटर है, इसको जाने में उसको 100 सेकंड का टाइम लगता है और ये 400 मीटर की दूरी है, इसको पार करने में 60 सेकंड का टाइम लगता है और ट्रेन ये है, वाओ, ट्रेन कौन है ये, आपको ट्रेन की भी तो कुछ लंबाई होगी, तो बताओ इसको पार करने में 100 लगा, इसको पार करने में 60 लगा, मैं देख रहा हूँ इसकी लंबाई 400 कम है और यहाँ कह रहे हैं 40 सेकंड कम लगा, बस यहीं से हमारा काम हो गया, हमें पता चल गया ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है तो बताओ 100 सेकंड में कितना दूर जाना चाहिए उसको, 1000 मीटर और 1000 मीटर में से 800 मीटर का हमारा पुल है या प्लेटफार्म जो भी है पुल है, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, 200। आप कितने आसानी से सवाल सोच सकते हैं, देख लीजिए, एक रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है, तो भाई देख लो पहले 90 मिनट में कितना दूर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसकी और 90 × 5/18 कर दो और उसके बाद उसको 60 सेकंड का टाइम लगा, तो इसमें क्या हुआ, प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों आ जाएगी, दोनों लंबाई बराबर, आधा कर देंगे आराम से, चलो 18 5 90 और 25 6 150 1500 हो गया भाई, तो 1500 का आधा कितना होता है, 750 750 की ट्रेन है, 750 का प्लेटफार्म, लगाने तरीका देख लो आप। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, पहली रेलगाड़ी की चाल 30 है तो दूसरी की चाल बता दो। ध्यान से देखो, ये ट्रेन है 150 मीटर लंबी और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, बोलो
और इसकी चाल इसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। पहली रेलगाड़ी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल नहीं मालूम, यक्ष मान लेता हूँ, और पार करने में लगा है 10 सेकंड का टाइम ना, आओ देखा जाए। तो चलो पार करते हैं, तो 150 और 100 में आके 250 चलना पड़ेगा, और किस चाल से चलना पड़ेगा, 30 प्लस एक्स, और गुणा 5/18 तो करना ही पड़ेगा, और समय कितना लगा है 10 सेकंड, काट दो, एक्स की वैल्यू हाजिर हो जाएगी, 10 से ऐसे काट दो, और 5/25 कर दो, और 18/90 कर दो, बताओ 30 प्लस एक्स बराबर 90 होता है तो बताओ एक्स बराबर 60 होता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे ट्रेन की लंबाई आ चाल आ गई। लगाने का तरीका ध्यान से देख लो, ये दूरी पार कर रही है, चलना पड़ेगा 250, किस चाल से 30 प्लस एक्स, गुणे 5/18 करना ही पड़ेगा, उसके बाद 10 से कर दो, तुरंत एक्स की वैल्यू आ गई कितना 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली ट्रेन चल रही। रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि एक चलती हुई रेलगाड़ी ने 84 मीटर लंबे उस प्लेटफार्म को पूरा पार करने में 21 सेकंड का समय लिया और व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय दिया। जरा सोचो, एक 84 मीटर लंबा प्लेटफार्म था, है सॉरी, तो ये हुआ 84 जाने में 21 लगता है और केवल व्यक्ति पार करने में 9 सेकंड लगता है, 81 से सॉरी, तो 21 में से 9 घटा लो पहले, 12 सेकंड, 84 मीटर जाने में उसको 12 सेकंड का टाइम लगा, 12 × 7 = 84, 7 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ गई, ठीक है। हमको रेलगाड़ी की चाल बताना, अब 7 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 7 × 18/5, 18 × 7 = 126/5, 25.2 कितना आ गया, 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, सुरंग की लंबाई बताओ। देखो गाड़ी की लंबाई है 800 और सुरंग की लंबाई हमें नहीं पता है, एक्स मान लेता हूँ, चलना कितना पड़ेगा 800 + x, चाल क्या है 78 गुणा 5/18, 18 करना तो ऊपर कर देता हूँ, और समय कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट माने 60 सेकंड, काटो भाई, कटेगा 6 × 60 और 6 × 3 = 18, बस और तो कटने वाला है नहीं, और कुछ कट सकता है, नहीं कटेगा, चलो उधर ले चलते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा इधर करें, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठीक है, और किसी सुरंग को पार करने में 1 मिनट लगती, ठीक है। आप जरा सोचो 3 × 8 = 2400 + 3x = इसका 100 गुणा करो, 5 × 8 = 40 और 0 लगा दो वाला, 4 × 5 = 35 और 4 = 39, ठीक है। अब बताओ 3x = क्या हुआ, 24 वहाँ जाके घटेगा, कितना हो जाएगा 0 0, 9 में से 4 घटाओगे 5 और 2 में से 3 में से 2 घटाओगे 1, एक्स बराबर कितना आया 500, बताओ सुरंग की लंबाई कितनी आ गई 500 मीटर। ये है सवाल आपका, देख रहे हैं, समझ में आया कैसे करना था, खाई लिखो और काटते चले जाओ, उत्तर अपने आप समझो रखा हुआ प्लेट में, जाके ले लेना है बस। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, भाई रेलगाड़ी की लंबाई एक्स है और 60 की चाल से जा रही है, 60 × 5/18 और गुणा सेकंड कितना है भाई, चाल गुणा समय करना पड़ता है, ये लो 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 60 और 3 × 2 = 30, 10 × 2 = 100 × 5 = 500, कितनी लंबाई भाई 500, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर का खेल है ये। अगले प्रश्न पर बात करें, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी सुरंग को कितना समय में पार करेगी, देखो भाई इसकी चाल हम निकाल लेंगे, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पेड़ को पार कर रही है 12 सेकंड में, तो 12 उसकी चाल है, मीटर प्रति सेकंड चाल है, इसको हम क्या करें ऐसे रहने दें, क्या करना ये इसकी चाल है, थोड़ा छोटा कर लें, किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो देख लेंगे,
चाल आगे कि नहीं, 150 मीटर लंबी गाड़ी थी, 12 सेकंड में पार किया, 3 चौके 12 और 3 5 15 और छोटा कर लो 25/2, ये मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। ओके, अब इन्होंने कहा वह 250 मीटर लंबी सुरंग को कितना समय पार गई। भाई 250 मीटर सुरंग है और 150 मीटर गाड़ी है, तो 250 150 मिलकर कितना हुआ, 400। बताओ 400 दूरी है, इसको 25/2 से कवर करना है, तो 25 सेकेंड 25 और 15 125 छक्का 150 16 2 32 32 सेकंड लग जाएंगे भाई, 32 सेकंड में वह दूरी पार कर पाएगी। सही है, हमने चाल निकाल लिया था, करना आसान हो गया। आखिरी प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 मिनट का समय लेती है, तदनुसार 55 मीटर लंबाई की प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा बताओ, सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं, 36 चाल से चलकर खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड पार करते थे, तो उसका क्या हुआ, उससे ट्रेन की लंबाई मिल गई हमको। ट्रेन की लंबाई कितनी मिल गई, 36 × 5/18 और गुणा 10, 18 × 36 और 5 × 10 100 मीटर के लंबी रेलगाड़ी मिल गई। अब की बार इस गाड़ी को 55 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म पार करना है, तो 100 की गाड़ी 55 का प्लेटफार्म है, तो 155 चलना पड़ेगा। ओके, और चाल तो आपका 36 दिया ही है, और 36 माने यहाँ जानते हो आप 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बताओ, और इससे भाग दोगे कितना आएगा, 15 सेकंड का समय लग जाएगा। कैसा लगा, प्रश्न को उड़ा दीजिए, आराम से करेंगे, होता चला जाएगा। विद्यार्थियों थोड़ा सा मैं अस्वस्थ रहा, लेकिन तब भी बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा दीजिए, आनंद ही आनंद। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।